मैं आज मेरे सामने यहां नौजवान देख रहा हूं, उनके सर पर टोपी है, टोपी पे फीले फूल लगे हुए हैं, बड़े शानदार दिख रहे हैं। ये हमारे आदिम जाति के बच्चे हैं, ये पहाड़िया समाज के बच्चे हैं। उनके परिवार में अभी तक किसी को सरकार के अंदर काम करने का सौभाग्य नहीं मिला है। सब लोग ताली बजा करके इनका अभिनंदन कीजिए। मैं रघुवरदास जी के नए इनिशिएटिव के लिए और इनके मौलिक चिंतन के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इन पहाड़िया बच्चों को सिलेक्ट किया, सरकारी नियमों में बदलाव किया। उनकी ऊंचाई कम थी तो उसको भी कॉम्प्रोमाइज किया, उनकी पढ़ाई कम थी उसमें भी कॉम्प्रोमाइज किया और उनको ट्रेनिंग दे करके आपकी सुरक्षा के काम में लगाया। वो एक प्रकार से सरकार बन गए हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर बैठे हुए जो लोगों की गिनती होती है, इसमें ये मेरे पहाड़िया बेटे हैं, ये पहाड़िया बेटियां हैं। आज वो मुख्य धारा में आ रही है, विकास की मुख्य धारा में जुड़ रही है। और मैं देख रहा था वो बेटियां जब अपना सर्टिफिकेट लेने आई थी, उनका आने का तरीका, उनका सैल्यूट करने का तरीका, उनका अपना मेरे सवालों के जवाब देने का तरीका, उनका कॉन्फिडेंस देख करके मुझे लग रहा है ये हमारी शान और शौकत बन जाएंगे। ये पहाड़िया बिरादरी के मेरे साथी, ये सारे मेरे नौजवान, ये झारखंड के भाग्य को सुरक्षा देने वाली एक नई ताकत बन जाएंगे। फिर एक बार इनके लिए तालियां बजा करके गौरव कीजिए, रघुवरदास जी का अभिनंदन कीजिए, उन्होंने इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। समाज के आखिरी छोर पर जो आदिवासियों से भी गरीब है, आदिवासियों से भी पछात है, चार चार पीढ़ी तक जिसको स्कूल में जाने का अवसर नहीं मिला है, ऐसे सारे बच्चे आज हमारे सामने है, इससे कितना आनंद होता है। आज जीवन धन्य हो गया इन बालकों को देखते हुए, और यही मेरा नए भारत का नींव बनने वाली है। भाइयों बहनों, यही मेरा न्यू इंडिया है, देश का गरीब से गरीब भारत की विकास यात्रा में जुड़ जाएगा, इसका ये उदाहरण है।